आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं तृप्ति। इंडिया गेट पर मनाया गया अन्ना के आंदोलन की जीत का जश्न। दिन का सूरज ढला भी नहीं था कि इंडिया गेट पर हजारों मोमबत्तियों की रोशनी चकमगाने लगी। भ्रष्टाचार से आजादी की उम्मीदों का सूरज आसमान चढ़ने लगा। कई घंटों तक इंडिया गेट पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों की भावनाओं का सैलाब कह रहा था, वो लोकपाल कभी तो आएगा। एक साथ लहरा रहे थे हजारों तिरंगे। एक साथ उठ रहे थे हजारों हाथ। एक साथ गूंज रही थी हजारों आवाजें। एक साथ एक जगह उमड़ पड़ा पूरा देश। अन्ना की जीत हो गई पूरे देश की जीत। इंडिया गेट पर लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाने जनसैलाब उमड़ पड़ा। वतन के लिए दिखा ऐसा जज्बा जैसे वाकई आजादी की दूसरी लड़ाई देश ने जीत ली हो। इंडिया गेट पर रोशन हो रही थी जन आंदोलनों की तेज होती लौ। की अपील पर हजारों की हुजूम में राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से लोग इकट्ठा हुए। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, औरत, समाज के हर तबके के लोग आए। अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए हम बैंगलोर से यहाँ आए हैं। क्या वजह थी आपको कि आपको अन्ना इतनी दूर खींच लाए? वजह यही थी कि एक आदमी जो अब पूरे देश के लिए लड़ रहा है, ऑल वी कैन डू इज सपोर्ट हिम। That's why we are here to support him for being anti-corruption. That's the only reason we are here. आज अन्ना के लिए हम लोग देश के लिए आए हैं। अन्ना के लिए नहीं आए हैं, केवल देश के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर देश जीता है, अन्ना जीते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की जीत का जश्न देश ऐसे मनाएगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे तो कहीं देश के दूर दराज से आया ग्रुप जोश में नाच रहा था। लोकपाल दिन की सेलिब्रेशन से तमाम रंग तमाम मूड हमने आपको दिखाए हैं और फिर हरियाणा का रंग हमसे छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा के भाई आए हुए हैं और किस तरह से मतमस्त होकर के बिल्कुल यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। कहीं लोग अन्ना की जय जयकार कर रहे थे, कहीं तिरंगा और पोस्टर लोगों को लुभा रहा था। वाकई 26 जनवरी पर लोकतंत्र का जश्न मनाने वाले इंडिया गेट पर इतिहास रचा गया। इंडिया गेट पर 28 अगस्त की शाम को देश कभी भुला नहीं पाएगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना ने 12 दिन का अनशन खत्म किया। सुबह करीब 10:15 बजे दो बच्चों के हाथों नारियल पानी और शहद पीकर अन्ना ने अपना हट छोड़ दिया। शनिवार शाम ही पीएम की चिट्ठी मिलने के बाद ये तय हो गया था कि अन्ना अनशन तोड़ने वाले हैं। रमजान के इस पवित्र महीने में वो दुनिया के सबसे बड़े रोजे को खुलवाने के लिए आई है। एक बार 288 घंटे बाद ये लम्हा आया। ये तस्वीरें जनतंत्र में जनता की जीत का सबूत थी। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। सिमरन और इकरा नाम की दो बच्चियों के हाथ अन्ना ने नारियल पानी और शहद पीकर अपना अनशन खत्म किया। ये वो पल था जिसका 13 दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा था। भारत माता के जन लोकपाल में महत्वपूर्ण तीन मुद्दों को लेकर जो जीत हुई है वो आप सब देशवासियों की जीत है। यहाँ पर खड़े आप सबकी जीत है। अन्ना ने अनशन तोड़ा और पूरा रामलीला मैदान जश्न के माहौल में डूब गया। चारों तरफ अन्ना के नाम के नारे गूंज उठे। इस खुशी के माहौल में अन्ना ये जताना भी नहीं भूले कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और लड़ाई लड़नी है। इस देश में जो परिवर्तन करना है वो संविधान के मुताबिक करना है। अमीर और गरीब का फैसला कम करना है।
जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें इन बातों को जो सोचा है कि गरीब और अमीर ये लोकशाही के लिए खतरा है, ये फैसला बढ़ना उसको हम कम करना है आगे परिवर्तन की लड़ाई में। अन्ना अनशन तोड़ने वाले हैं, ये शनिवार की रात पीएम की चिट्ठी मिलने के बाद ही तय हो गया था, लेकिन चूंकि अन्ना सूर्यास्त के बाद अनशन नहीं तोड़ते इसीलिए उनमें आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को रविवार सुबह का इंतजार करना पड़ा। अन्ना हजारे की इस आंदोलन को जीत उसी दिन मिल गई थी जब अन्ना के अनशन पर बैठने से पहले ही सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। दरअसल सरकार को अंदाजा नहीं था कि अन्ना के इस आंदोलन में आम लोगों का सैलाब इस तरह उमड़ पड़ेगा। सरकार और उसके सलाहकार को यह गलतफहमी थी कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनशन को उन्होंने नाकाम बनाया था उसी तरह इस आंदोलन को भी नाकाम बना देंगे, और यही सरकार मात खा गई और अन्ना और उनके समर्थकों की जीत हुई। पुनीत शर्मा और चिराग गोटी के साथ शम्स ताहिर खान, रामलीला मैदान, दिल्ली, आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी, आप देखते रहिए आज तक।